हाय गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। और ये है थाईलैंड पार्ट 3 और हम पहुंच चुके हैं फुकेट। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुकेट घुमाऊंगी। चलो पोर्ट से एग्जिट करते हैं। हम पोर्ट से एग्जिट कर रहे थे तो बाहर यहाँ पे आपको बहुत सारी टैक्सीज मिल जाती हैं। तो नेगोशिएशन कंप्लीट करने के बाद 400 बात में हमने टैक्सी बुक कर ली थी। इसमें कुछ इंडियंस भी थे और काफी लग्जरी टैक्सी थी। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमें जाना था फुकेट। रास्ते में ये पड़ा ओल्ड फुकेट, जहाँ पे ये प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। और ओल्ड फुकेट में देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इन बिल्डिंग्स का ही मज़ा है। तो ओल्ड फुकेट क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं फुकेट की तरफ। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो मज़ा आ गया देख के। और ये सब करने के साथ साथ हम पहुंच गए अपने होटल दीवाना पटोंग में। ये हमारा होटल, बाकी मैं आपको पूरा बाद में दिखाऊंगी। 1039 ओपन द डोर प्लीज। तो ये है पूरा व्यू हमारे होटल का। काफी ग्रीनरी थी और रूम्स भी काफी अच्छे थे। ये है हमारा पूरा रूम। तो रूम में एंटर करने के बाद फटाफट फ्रेश हुए, फिर गए, भूख लग रही थी कुछ खाने। भाई बाहुबली में भाई का नाम किसी को नहीं बाहुबली। और थाईलैंड के लोग ना बाहुबली से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फुकेट में भी मैंने बाहुबली का नाम सुना और फीफी गए थे वहाँ भी हमने बाहुबली का नाम सुना। इल्यूजन हम जाएंगे 9 बजे के बाद, नहीं 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास। सभी से बाहर जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, कुछ बढ़िया मिल जाए। खाना तो हमने खा लिया, चलो देखते हैं कुछ मिलता है क्या खरीदने वरीदने के लिए, मार्केट टाइप्स। और मुकेश कैसा लग रहा है आपको? तो हमने होटल में ही थोड़ा बहुत खा लिया था और अब हम निकल चुके हैं फुकेट एक्सप्लोर करने। डे 1 है हमारा, तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो ये है फुकेट की रोड्स और गलियां, एंजॉय करिए। तो हम घूमने निकले ही थे तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी खाने पीने की। तो ये वाला स्टॉल है, यहाँ पे आंटी बना रही है पैनकेक और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था देखने में, लेकिन हमारे पेट भरे हुए थे तो हमने सिर्फ देख के काम चलाया। और ये बना रही है आंटी। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है ये मैंगो वाले भैया और ये यहाँ पे मिल रहे फ्रूट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं फ्रूट के, मतलब आपको यहाँ पे फ्रूट्स बहुत मिलेंगे देखने के लिए। तो खा पी के तो हम आए थे, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया चलो यहाँ का थाई मैंगो ट्राई किया जाता है। तो हम हेलो मैंगो पे थे, वहाँ हमने मैंगो खाया। इस सीजन का पहला आम खा रहे हैं हम, वो भी यहाँ पे फुकेट में बैठ के। ये तो थाई मैंगो, आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे जो ये वेंडर्स है ना, स्ट्रीट वेंडर्स, ये उधर रोड की तरफ मुंह करके फुटपाथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सबको। हाँ ये सही भी है, ये सही है, इससे क्या है ना उस तरफ जाम नहीं लगता। राइट राइट, और फुटपाथ का यूज करेंगे। तो खा पी के निकल दिए हैं हम घूमने फिर से फुकेट की सड़कों पे, देखते हैं क्या मिलता है हमें नेक्स्ट। तो हमें कल पूरा एक्सप्लोर करना था तो हमने थोड़ा आइडिया लिया कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक टैक्सी वाले भैया थे, उनसे हमने पूछा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमें कितना
लगभग ये चार्ज लगेगा। तो कल का डिसाइड करने के बाद हम निकल दिए आगे और हमें मिली ये शॉप्स, हमें कुछ खरीदना था तो चलो। अपना जैसे दिल्ली वाला आज हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, भूख लग रही थी, हमने होटल में खा लिया था। अच्छा, पठानकल अभी आए हैं, नवोटल में रुके। तो यहाँ पे आपको रोड साइड बहुत सारी मार्केट्स दिख जाती हैं, बहुत सारी शॉप्स दिख जाती हैं और ऐसे ही हम सालने घुस गए किसी बैग वाली शॉप में, लेकिन लिटरली यहाँ पे बैग्स बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे क्या, आप किसी भी शॉप पे जाओगे वहाँ बैग्स की वैरायटी है, लेकिन मज़ा आ जाता है देख के। फिर हम निकले तो हमें यहाँ पे मिला ये टाइगर थीम रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलते चलते हमें दिखा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मार्केट, ये अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो श्वेता को कुछ खरीदना था तो चलो हमने सोचा देखते हैं, क्योंकि कुछ मिल जाता है तो खरीद लेते हैं। तुम लोग को क्या लेना है जो देख रहे हो? ये कितने का है भैया, ये कितने का है? कच्चे ढूंढना है, 150 बार अराउंड 300। लेकिन एक बार कलर पता कर लो प्लीज, व्हाइट तो नहीं, व्हाइट भी नहीं अच्छा लगेगा, व्हाइट है पता है क्यों? एनी अदर कलर इन दिस? लड़कियों के साथ साथ यहाँ लड़कों का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। और अगर मैं इधर दिखाती हूँ तो ये तीनों खड़े होकर बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं, देखो। तो ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अंदर तक ये मार्केट है, और यहाँ पे आपको पर्स से लेके कपड़ों तक सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ मार्केट से निकले और फिर हमें एक और मार्केट देखी, हम यहाँ भी गए। तो कैमरा पकड़ पकड़ के मैं थक गई थी, मैंने मुकेश बोला कैमरा पकड़ो मैं थोड़ा एंजॉय करती हूँ, तो मैं मस्ती करते करते कपड़े देख रही थी, मुकेश ने शूट कर लिया। तो सब शॉपिंग वॉपिंग करके हम जा रहे थे होटल, तभी हमने सोचा कि कल के लिए टैक्सी बुक कर लेते हैं। तो हम कल के लिए टैक्सी बुक कर रहे थे जहाँ जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए। कल के लिए टैक्सी फाइनलाइज हो चुकी है और हम जा रहे थे होटल की तरफ, तो हमने सोचा एक एक कोकोनट वाटर तो बनता ही है। सवाडीका मतलब बता। हेलो हेलो, नमस्ते। यार ये टेंपल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो ये लोग बाहर रखते हैं ना। तो मस्ती और शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए होटल और अब हमें जाना है फुकेट की नाइट लाइफ एंजॉय करने। अभी हम जा रहे हैं बांग्ला रोड, रात का लगभग 12 बज गए, रात 12:30 बज गए बांग्ला रोड जा रहे हैं थोड़ा एंजॉय करने और आपको भी दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा क्या रहता है। हम लोग बांग्ला रोड जा रहे हैं, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है और हमने सुना है कि वो पटाया का छोटा भाई है। हाँ। तो लेट्स सी हाउ, मतलब कैसा रहता है वहाँ का। बिल्कुल, तो वही है, दिखेगा तो आपको सब कुछ, दिखाएंगे भी हम जितना हो सकता है। चलो, जितना हमारे चैनल हमें अलाउ करता है। यू कम बैक कंट्री एंड नॉट यू गो टू यू कम बैक कंट्री यू विल कम बैक 300 यू विल बैक 3 गो गो अप टू यू अप टू मी Back by bulk. You have internet? And we will roll. Oh, no internet.
तो हमने बांग्ला रोड के लिए बुक करी अपनी टुक टुक और हमने लाउड म्यूजिक में अपना इंडियन गाना बजाते हुए जो डांस करा है ना, बढ़िया, बहुत मज़ा आया है। सॉन्ग में आपको सुना नहीं सकती, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो इसलिए आप इस म्यूजिक के साथ ही इसको एंजॉय करिए। और हम पहुंच गए हैं बांग्ला रोड और ये है पूरा यहाँ का नजारा। तो हम यहाँ स्ट्रीट पे लाउड म्यूजिक का मजा लेते लेते पहुंच गए इल्यूजन। मुझे ऑफिस में किसी ने रिकमेंड किया था कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो इल्यूजन जरूर जाना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आप भी देखो यहाँ का माहौल। अगर मैं यहाँ के क्राउड की बात करूँ तो बहुत जबरदस्त क्राउड था यहाँ पे। और एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, जो भी आप ड्रिंक लोगे बस आपको उसका पे करना है। तो हम तो फ्री में ही घूम के आए हैं। भाई इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक था कि हम इतना इन्जॉय कर रहे थे, एक घंटा कब निकल गया हमें खुद पता नहीं चला, इतना मौज मस्ती करते करते मज़ा आ गया। तो अगर आप बांग्ला रोड आए हो वॉकिंग स्ट्रीट तो प्लीज़ इल्यूजन ज़रूर जाना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो वॉकिंग स्ट्रीट एंजॉय करने के बाद हम आ गए पटोंग बीच पे। वहीं पास में पटोंग बीच है तो हमने सोचा थोड़ा बहुत वहाँ बैठ के एंजॉय किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा था सब वहाँ के पिए हुए यहीं पड़े थे, तो हम भी यहीं बैठ गए थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो लगभग एक घंटा बैठने के बाद हम निकल दिए अपने होटल की तरफ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शाम रही हमारी। और अब चलो सोने, क्योंकि सुबह भी उठना है और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जैसे आपको दिखाया, हम गए थे पार्टी करने इल्यूजन में, उसके बाद हम आते ऐसे पड़े जब खुद ने दिखाई दिया कि हम क्या हैं। बहुत नींद आ रही है और अभी भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। जैसे तैसे हम करके उठे हैं, उसने तो चश्मा लगा रखा है, इससे आँखें ना दिखें, मेरी तो ऐसी ही रखी है। हम जाएंगे पुकेट एक्सप्लोर करने, हम जाएंगे बिग बुद्धा और एक टेंपल जाएंगे, फिर शाम को दो बीचेस कवर करेंगे और बीच में कुछ पड़ा तो वो भी कवर करेंगे। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। यार इन सबको उठा उठा के थक गई हूँ मैं 6 बजे से, 8 बजने वाला है, 2 घंटे में कोई तैयार नहीं हुआ अभी तक। जा रहे हैं फिर से रूम कट तक आने के लिए। और मुकेश कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, बोला भी नहीं यार, नींद आ गया। लेकिन हाँ एक दिन की बात हो रही है यार, नींद तो घर भी पूरी कर लेंगे हम, देखते हैं हाँ इनका क्या सीन है। ऑल गुड, काम चल रहा है।
भी तैयार होके पड़ी थी, मैं भी तैयार होके पड़ी हूँ। तो सबको उठाने के बाद हम चल दिए ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल हमारे लिए बहुत लिमिटेड चीजें हैं खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने पूरे दिन के लिए टुक टुक बुक किया है ना? यस, बहुत अच्छा कलर का, पिंक कलर का, पिंक कलर का टुक टुक। पूरे दिन के लिए 1500 रुपए में एक टुक टुक बुक किया है जो हमें 4 जगह लेके जाएगा। कोशिश रहेगी हम 7-8 बजे तक लौट आए, फिर थोड़ा आराम करें क्योंकि आज सो नहीं पाए थे। चलो तो टुक टुक का वेट करते करते हमने सोचा थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं। तो एज यूजुअल हमारी मस्ती चल रही थी और टुक टुक आ गया और हम निकल चुके हैं। तो यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है ना कि आप मतलब एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़र नहीं हटा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हमें जाना है बिग बुद्धा टेम्पल, जो आपको वो दिख रहा है ना, वो बिग बुद्धा टेम्पल। तो हमें इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो हम पहुंच गए हैं बिग बुद्धा टेम्पल और यहाँ पे ये बहुत बड़ा, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी थी यहाँ पे, तो ये लोग सब खड़े होके पढ़ रहे हैं, मैंने शूट कर लिया। और ये सब करने के बाद हम जा रहे हैं अंदर। हाय, हम लोग आ गए हैं बिग बुद्धा टेम्पल। यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपने आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो शोल्डर कवर होनी चाहिए, और नीज से नीचे तक की ड्रेस होनी चाहिए, और उसके नीचे भी शॉर्ट्स पहना होना चाहिए। ये है यहाँ पे अगर आप बिग बुद्धा टेम्पल आते हो तो ये मुझे पता था इसलिए मैं शर्ट लेके आई थी, मैंने ऊपर से शर्ट डाल ली है। तो अगर आप बिग बुद्धा टेम्पल विजिट करते हो तो प्लीज़ अपना ड्रेस आप संभाल के आना, अदरवाइज़ यहाँ पे स्कार्फ मिल जाते हैं, आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों ही पैसे खर्च करने हैं, अगर आपके पास सामान है तो ले आओ, क्या दिक्कत है। एंड ये है बिग बुद्धा, ये काफ़ी बड़े थे। और यहाँ पे इतनी शांति थी ना, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे हो, यहाँ पे इतनी शांति थी, लेकिन गर्मी बहुत थी। तो प्लीज़ सुबह या शाम ही विज़िट करना। तो बुद्धा जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे 7 मिनट्स का हीलिंग सेशन था, तो ये लोग कर रहे हैं। तो जब आप एग्जिट की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बुद्धा जी दिखते हैं जिनके आगे ये बोल रखे रहते हैं। इनमें क्या करना होता है, इनमें आपको वहाँ पे वहाँ से कॉइन परचेज करके इन सब बोल्स में कॉइन डालने होते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन ये जो दीदी हैं ये कर रही थी तभी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। तो बिग बुद्धा टेम्पल विजिट करने के बाद हम निकल चुके हैं शिलोंग टेम्पल के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं शिलोंग टेम्पल, ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो बिग बुद्धा टेम्पल के बाद हम आ गए हैं शिलोंग टेम्पल, ये है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ। हालत हम लोग की बुरी हो चुकी है, गर्मी बहुत है, यहाँ आना सुबह ही फायदेमंद है, दोपहर में आना तो एकदम बकवास है।
कोई गर्मी तो फुल है, ये तो अभी तो बीच बैठाएंगे ना इसे, उसको ही बोलेंगे चल बीच पे। पूरा टेंपल का प्रमाइसेस घूमने के बाद हम बैठ गए थे थोड़ी देर पेड़ के नीचे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी यार भाई। नहीं आ रही, नहीं आ रही, काल चल गई, काल चल गई साल। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो अगर आपको विज़िट करना है तो आप सुबह या शाम में विज़िट कर सकते हैं, दोपहर में प्लीज़ मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम निकल चुके हैं काटा बीच के लिए। तो बिग बुद्धा और टेंपल करने के बाद हम आ गए हैं बीच पे। तो ये बीच कौन सा है, यहाँ पे है हम आई थिंक केरोंग बीच पे हैं, काटा बीच लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हम पहुंच गए हैं केरोंग बीच पे, वैसे हमें जाना था काटा बीच लेकिन ये बीच पहले पड़ गया तो हम यहाँ आ गए। और ये देखो ये पांचों मस्ती कर रहे हैं। रमन जैसे ही कूदा लहरों ने उसके साथ अत्याचार कर दिया, उसका अंडरवेयर निकलते निकलते बचा, ये देखो। सबका शूट करने के बाद अपना भी थोड़ा बनता है, थोड़ा स्टाइल तो चलता है, ये देखो। बट यहाँ के बीचेस की एक बात है, यहाँ के बीच बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं, पानी एकदम ब्लू है, तो आप कहीं भी लेटो कहीं भी बैठो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफ़ी क्लियर काफ़ी साफ बीच है ये। और यहाँ मुझे एक चीज़ देखिए बहुत अच्छा लगा, ये छोटे छोटे बच्चे भी स्विमिंग करने जा रहे थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, और ये देखो क्यूट, इतने क्यूट लग रहे थे ये तीनों लाइन से, बहुत ही ज़्यादा। सामने आपको बीच दिख रहा है, वो वाला होगा कांटा बीच, पता है जो सामने वो लगे हुए हैं वो काटा बीच होगा। हाँ वो वाला कांगया, वो वाला काटा बीच है नहीं। तो हम थे केरोंग बीच पे, हम काटा बीच नहीं गए क्योंकि काटा बीच जस्ट ऑपोजिट साइड था तो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, तो हमने सोचा बीच तो बीच ही है कोई सा भी हो। तो केरोंग बीच पे हम एंजॉय करके वापस जा रहे हैं अपने होटल। गए थे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, बीच से आके हम थक गए थे, हमने फटाफट नहाया धोया और अब हमें चाय पीनी है यार, चाय बहुत टाइम से हमने नहीं पी है ढंग की, तो हम जा रहे हैं सब चाय पीने। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो हमने रात में सर्च किया था, और देखो हम पूरी तरह से टैन हो चुके हैं, काले काले हो गए, हम खुद को पहचान नहीं पा रहे, तो आप ही क्या पहचानोगे। तो अब जा रहे हैं चाय पीने और उसके साथ कुछ खाएंगे, एंड देन रात में हम थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, कल भी की थी और थोड़ी सी और करनी है। चलो तो शाम हो गई है, शाम की चाय पीने हम चल दिए हैं। हमारा होटल जो है वो है दीवाना पटौन में, ये वाला, ये गाड़ी के पीछे वाला हमारा है, और हम छेओ के छेओ मस्ती करते हुए जाते हैं हर जगह। तो आधे घंटे का काम हम एक घंटे में निपटा के आते हैं। ये मेरे ये पकड़ ले, टाइट शर्ट लग गई है, लेकिन ये बता सच में भागना है कोई, लेकिन शूज पहने हुए तो कोई ना, थोड़ा इसको दे दो, लाओ मुझे दो, तुम भी भागोगे श्वेता? हां श्वेता जाओ जाओ भागो, श्वेता हार जाएंगे, श्वेता हार जाएंगे, और क्या होगा। 1 रुको, अंडी बंडी गंडी जो भी भाग जाए पहले रुको, और रुक जा मैं, श्वेता तुम भी भाग रही हो क्या? हां अरे मैं भाग, अरे कुछ ऐसे कर दो, श्वेता भागने दो ना उसको,
कैमरा पर्सन तुम्हारे पीछे भागो। ओ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, जो ये रॉड है ना, जो ये है बैरिकेडर, वहाँ तक मैंने बोला था ना यहाँ बहुत बकवास चलती है। नहीं नहीं अरे वहीं तक जाओ यार, वापस क्यों आओगे? वन अरे 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 ये क्या है, पीछे आओ। नहीं नहीं मैं अपने हिसाब से दूंगी। वन टू थ्री साले दोनों भाग गए थे। मुकेश नहीं 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 साले थ्री का वेट ही नहीं करते, दो पे भाग जाते हैं। वन टू थ्री ए भाई मुझे बता देना भाई। श्वेता तो गई, शालिनी भी गई, मुकेश भी गया, कौन जीता भाई? भाई अंशुल रहा विनर। चलो भाई अंशुल विनर, पूरी नौटंकी है भाई। विनर चलो क्या राम मिलाए जोड़ी। तो आपने देखा जैसे हमने मौज मस्ती करी, मौज मस्ती करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने चाय नाश्ता करने के लिए। और ये है नोवोटेल, कहा जाता है कि नोवोटेल में सिर्फ इंडियन शेफ्स हैं। तो समझ लो आप मार्केट पास होने के बाद खुलता है, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको खाने पीने की चीजें और मसाज पार्लर मिलेंगे, तो और कुछ नहीं। और ये वो रेस्टोरेंट है जो हम कल रात में जाते हुए देखा था हमने, जो भैया पंजाब से थे, तो ये है पंजाब ग्रिल। तो यहाँ हमने चाय नाश्ता किया, तो हमने खाए पकौड़े और चाय और टिक्की जो काफ़ी अच्छी थी लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो वो सब करने के बाद हम निकले सड़कें एक्सप्लोर करने, तो हमने सोचा क्यों ना मसाज कराई जाए, तो हम लग गए। और मुकेश बहुत मज़े से रिलैक्स होके अपनी मसाज करा रहे। तो मसाज कराने के बाद काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा था, यार क्या दवा दवा के उन्होंने मसाज कराई है। फिर हम निकले, रात हो चुकी थी, हमें खाना पीना था, तो ये सारी चीज़ें आप देखो रास्ते में क्या क्या हमें दिखा। तो आज हम एक नई जगह इंडियन खाना ट्राई कर रहे हैं, क्वांटिटी तो अच्छी लग रही है, सब अच्छा रहा था। मैं आपको बताऊंगी हमने कहाँ ट्राई किया था। खाना खाया था गांधी इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। हमने जहाँ कल खाना खाया था वहाँ ठीक था लेकिन क्वांटिटी कम थी, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे खाने की क्वांटिटी, खाने का प्राइस, वो सब बहुत अच्छा था। तो आप जब भी यहाँ आओ और इंडियन खाना खाना हो, वेजिटेरियन हो, तो आप यहाँ आ सकते हो गांधी इंडियन रेस्टोरेंट। तो एज़ यूजल हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो हम अपनी कैब बुक कर रहे थे कल के लिए, तो यही सारा नेगोशिएशन यहाँ चल रहा है, कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे जाना है। यार ये तो कूल है, श्वेता ने, अंशुल ने, सॉरी शाली ने, और मैंने ये माई लिया, ये माई लिया, सॉरी तीनों ने हमने बैग खरीदा 100-100 बाद में। तो फुकेट की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, कल हम गए थे वॉकिंग स्ट्रीट, आज निकले हैं शॉपिंग करने, बचा कुचा शॉपिंग हम आज निपटाएंगे। तो हमने इस मार्केट से क्या लिया, हमने ली फ्रिज मैग्नेट और केरिंग, क्योंकि कोई सस्ता आइटम था।
क्योंकि वही सस्ता आइटम था। 500 मतलब 1000 रुपए। तो फुकेट की एक खास बात है, दिन में आपको यहाँ की सड़कें खाली मिलेंगी। यहाँ जो चहल पहल होती है वो कम से कम 5-6 बजे के बाद होती है। और ये देखो ये टुक टुक जो जा रहा है, ये जा रहा है बांग्ला रोड। और कम करवाई है भाई, ये जो शॉल है शालिनी ने 100 में ली है, 100 कॉपीज। पूछो मेरे फ्रेंड्स ले रहे ना, मैंने इन लोगों को बहुत इतना कंजूस किया, आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा तो शॉपिंग करने के बाद हम निकल चुके हैं होटल के लिए। तभी मुझे रास्ते में ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये है टी शर्ट जिनमें म्यूजिक बज रहा था। ये थी 1000 बात की एक टी शर्ट, भाई मन था। गर्मी बहुत थी, होटल की तरफ जाते हुए हमें दिखा ये स्टॉल, तो हमने सोचा क्यों ना मैंगो स्मूदी पी जाए, तो हम वही बनवा रहे हैं। कैसा रहा आज का दिन? काफी संघर्ष भरा रहा, अभी ये बनवाने में काफी मेहनत लगी है। स्मूदी पी के हम निकल लिए होटल की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो प्लीज़ यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रात हो चुकी है और अब हम आ गए अपने होटल, सोएंगे क्योंकि कल हमें निकलना है, हमारी फ्लाइट है। तो हमारा ट्रिप आज कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम वो ही अपनी रेगुलर जिंदगी पे आ जाएंगे। सामान वामान सब पैक हो चुका है, अभी निकल रहे हैं। टैक्सी बुक करके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद टैक्सी बुक करके फटाफट एयरपोर्ट। 1:30 बजे की हमारी फ्लाइट है जो हमें 4:30 बजे छोड़ देगी। बस यार यही 4 दिन थे मस्ती करने के, कर ली। अब 10 से 7 ऑफिस, खाना बनाओ, कपड़े धो, बस जिंदगी है। चलो मिलते हैं एयरपोर्ट पे। तो बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको घुमा दी थी, लेकिन हमारा होटल रह गया था घुमाने के लिए। तो चलते चलते मैं आपको होटल घुमाती हूँ अपना। हमारा होटल का नाम है दीवाना। तो ये चलो मैं आपको पूरा सैर कराती हूँ। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। रात में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लाइट्स ऑन रहती हैं, येलो लाइट्स, और काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू होता है रात में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में जाती हूँ तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको मिल जाता है स्विमिंग पूल। और इस होटल में अगर मैं ग्रीनरी की बात करूं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आप कहीं भी आराम से चेयर डाल के बैठ जाओगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि गर्मी लगेगी, इतने पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये शेड्स भी दिया हुआ है, चेयर्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे 2 तरह के रूम्स हैं, एक आपको रूम मिल जाता है पूल फेसिंग रूम, और दूसरे जो हमारे रूम्स हैं जो आपको बैक साइड में मिलते हैं।
तो इस लॉबी से आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड में पड़ता है एक स्विमिंग पूल और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रूम्स थे। तो अभी सुबह का समय है, रूम क्लीन हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये था होटल, टाइम नहीं मिला इसलिए मैं एंड टाइम पे आपको घुमा दूँ, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी सब कवर करना होता है, सुबह निकलो शाम को घुस दो फिर खाना खाने जाओ, फिर इतना थकान हो जाती है आके सो उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठो, इसलिए मैं आपको उस दिन जिस दिन आई थी उस दिन नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा जाने से पहले दिखाना बनता है, अब वो मैंने आपको दिखा दिया। फटाफट ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और फिर फ्लाइट पकड़नी है। चलो, तो हमने ये जो कैब बुक करी थी ये हमने इन ड्राइव ऐप से करी थी जो हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पड़ गई थी, और ये लोग सब आपस में मौज मस्ती कर रहे थे लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो नहीं पाई थी रात में तो इसलिए मैं थोड़ा सो गई थी। एंड हमारी ट्रिप ओवर हो चुकी है, हम आ गए हैं एयरपोर्ट। वैसे अभी बकवास तो और भी कुछ चलेगी, आपको दिखाऊंगी मैं, मान उतर रहा है। हेलो, बाय सवादिका। तो यहाँ होती है हमारी ट्रिप एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।